तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं विन करता हूं, डेली लाखों विन करता है आपका भाई, और उसके पीछे मेरी क्या ट्रिक है और क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपका भाई जो कुछ भी है सब ड्रीम इलेवन की वजह से है। और ड्रीम इलेवन पे आप जाके देख सकते हो, मेरी आईडी का नाम है सोमेश 5419। 294 लेवल है मेरा, 294 क्रॉस होने ही वाला है, आज कल में हो जाए, कल या परसों में हो जाएगा। अभी तक के, और हाँ, ड्रीम इलेवन पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपके भाई के ही है। और अभी तक के जितनी ग्रैंड लीग आपके भाई ने विन की है, उतनी ग्रैंड लीग ना कोई विन कर पाया है और ना ही करेगा। ठीक है, और ये तो सुना हुआ आपने ग्रैंड लीग विन की, भाई मैंने ग्रैंड लीग विन कराई है। ठीक है, और बहुत से बंदों को मैंने ग्रैंड लीग विन कराई है, उसके आप प्रूफ मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो। अभी रिसेंटली जो आईपीएल हुआ था उसमें जो, हाँ, दिल्ली का मैच और मुंबई का जो मैच हुआ था, दिल्ली और मुंबई के मैच में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विन कराई थी एक बंदे को, जो 1 करोड़, जो 1 करोड़ प्राइस रहता है उसमें सेकंड रैंक आई थी मेरे बंदे की। और उस बंदे ने 3 ग्रैंड लीग ज्वाइन करे थे, 3 ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट, तीनों में वो जीता था। 1 करोड़ वाले में सेकंड आया था, और जो जिसमें 8 लाख और 10 लाख 15 लाख मिलते हैं वो उसमें वो फर्स्ट आया था। टोटल उसकी विनिंग हुई थी 32 लाख रुपए, और TDS कट के उसका 22 लाख रुपए कुछ आया था। उसका प्रूफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो। ये तो मैं आपको एक की बता रहा हूँ। और अभी जो कुछ सुना होगा आपने, 100 मेंस और 100 वुमन्स जो स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड का, उसमें भी एक बंदे को मैंने 2 लाख रुपए जितवाए थे। 10 लाख रुपए फर्स्ट प्राइस था और सेकंड प्राइस 2 लाख रुपए था, तो सेकंड रैंक आई थी उसकी। उसका भी प्रूफ आप जाके देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी में भी पोस्ट कर देता हूँ मैं विनिंग जो भी होती है। और आपका भाई भी बहुत 75 ग्रैंड लीग विन कर चुका है अभी तक के, उसके प्रूफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में और मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएंगे। तो भाई मेरे को खुद ही याद नहीं है अब तो कि मैं कितने टूर्नामेंट हूँ, कौन कौन से टूर्नामेंट में ग्रैंड लीग विन कर चुका हूँ। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि इसके पीछे होता क्या है, क्या ट्रिक होती है ग्रैंड लीग विन करने की, स्मॉल लीग विन करने की, और क्यों मैं डेली लाखों विन कर रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हो कबड्डी जो चल रहा है भाई, 95% मैचों में आपका भाई वन साइडेड विन कर रहा है, हर मैच विन कर रहा है। कल के भी दोनों जो मैच थे वो भी आप जाके देख सकते हो, एक में मैं 1 लाख रुपए जीता हूँ और दूसरे में 50,000 रुपए जीता हूँ। खैर, बाकी मेरे, मैंने टीम जो नीचे की वीडियो है देख लेना आप, तमिल थलाइवा वर्सेस, इसका मैच नहीं, इसका मैच था यार, क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यूपी योद्धा का जो मैच था उसकी वीडियो नीचे ही है। आप वीडियो में जो टीम थी उसी टीम के साथ में गया था, टेलीग्राम चैनल में भी मैंने बोला था, ओपन बोला था, वीडियो में बोला था कि जैकपॉट है भाई, लगा लो आप, और सभी बंदों ने लगाया। उसका रिजल्ट मैंने टेलीग्राम पे जाके पोस्ट किया है। ग्रैंड लीग में 4th रैंक आई है, जाके देख सकते हो आप। और ऐसी आपका भाई डेली विन कर रहा है, और उसके पीछे क्या कारण है और क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है, क्या स्ट्रेटजी है मेरी, सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो अपन शुरू कर लेते क्रिकेट से। तो भाई क्रिकेट की टीम बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैच कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैच कहाँ पे हो रहा है, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, पिच रिपोर्ट क्या है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, पिच किसको सपोर्ट करेगी, बैटिंग को सपोर्ट करेगी, बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, और ग्राउंड पे फास्ट बॉलर चलेंगे, स्पिनर चलेंगे, ये सब आपको डिटेल होना चाहिए पता। ठीक है, उसके बाद ही टीम बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि विनिंग टीम कौन सी टीम जीतेगी,
कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। जो टीम जीतती है जाहिर सी बात है उसी के 5-6 प्लेयर, 6 से 7 प्लेयर उसी के ड्रीम टीम में आते हैं, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखना, कभी भी आप स्मॉल लीग की या फिर ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो जो विनिंग टीम है उसके आपको पूरे बॉलर लेना है, ठीक है। पूरे बॉलर ले लो आप, 5 बॉलर ले लो आप, तो उससे होगा क्या कि बैट्समैन तो अगर एक शतक भी मार देगा वो आपके पास नहीं है। वैसे तो सिलेक्शन वाले प्लेयर मारते हैं शतक, और जो अच्छा प्लेयर होता है वही मारता है शतक, कभी कभी रिस्की भी मार देते हैं वैसे, पर जो अच्छा खिलाड़ी होता है वही मारता है ज्यादा रन। बैट्समैन ले लो आप 2 और बॉलर ले लो आप 5 विनिंग टीम के। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने क्या करा कि 5 बॉलर ले लिए टीम के और बैट्समैन ले लिए, बैट्समैन आपके चल गए, भले फ्लॉप हो गए आपके बैट्समैन, ये स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बैट्समैन आपके फ्लॉप भी हो गए, लेकिन आपने किसके फेवर में बनाई है, जो टीम का पलड़ा भारी है और वो टीम जीती। वैसे तो 90% चांस होता है कि वही जीतती है जो जिस टीम का पलड़ा भारी होता है, ठीक है। वो टीम जीतेगी तो क्या होगा, बॉलर उसके विकेट लेंगे, कोई हो सकता है बॉलर 5 विकेट ले ले और उसका सिलेक्शन ही कुछ नहीं है और वो आपकी टीम में था, तो हो गया ना भाई क्लीन स्वीप है, वो किसी की टीम में ही नहीं है, आपके रिस्की बॉलर ने 5 विकेट ले लिए। या फिर मान के चलो सभी 5 बॉलर ने 2-2, 1-1 विकेट भी ले लिया, तो आपकी तो टीम ऊपर चली गई ना भाई, आपको तो 5 खिलाड़ी ने पॉइंट दिला दिए। तो ऐसे स्मॉल लीग विन की जाती है, और ग्रैंड लीग में भी आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, क्योंकि बॉलर भाई अगर विनिंग टीम है जीतेगी तो बॉलर कुछ ना कुछ तो पॉइंट दिलाएगा। बैट्समैन में क्या होता है, रन आउट भी हो जाता है बैट्समैन, तो कैच आउट भी हो जाता है, उसके पास एक ही मौका होता है, ठीक, एक ही, ध्यान से सुनना, एक ही मौका होता है बैट्समैन के पास में, या तो वो चलेगा तो आपको 100-150 पॉइंट दिला देगा। और बॉलर क्या करता है, बॉलर की कभी कभी बैटिंग भी आ जाती है और वो बॉलिंग भी डालता है, ठीक है, तो वो दोनों जगह से आपको पॉइंट दिला देता है। वैसे ऑलराउंडर सबसे बेस्ट होता है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए, क्योंकि ऑलराउंडर आपको बैटिंग की पॉइंट दिलाता है, बॉलिंग से भी पॉइंट दिलाता है। तो भाई ये रहती है ट्रिक स्मॉल लीग जीतने की, ठीक है। और ग्रैंड लीग कैसे जीती जाती है, कभी भी आप ध्यान रखो, जैसे अभी बिग बैश लीग चल रहा है, बिग बैश लीग में क्या हो रहा है, फास्ट बॉलर चल रहा है, स्पिनर का वहां पे कुछ भी रोल नहीं है। हालांकि कल राशिद खान ने विकेट लिए थे, क्यों लिए थे, राशिद खान का रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए विकेट लिए थे। सामने वाली टीम में 4-5 लेफ्ट हैंडर थे, ले गया बंदा विकेट, और मैंने तो उसको कैप्टन बनाया था क्योंकि मेरे को मालूम है राशिद खान आएगा विकेट ले लेगा। ग्राउंड स्पिनर को सपोर्ट नहीं करता पर वो ले गया क्योंकि वो क्वालिटी बॉलर है, ठीक है। और बाकी आप देख लेना, पिच रिपोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है, कभी भी क्या है ग्रैंड लीग जीतने के लिए तुक्के से टीम नहीं बनाई जाती, जीत जाते हैं तुक्के से, उनकी किस्मत होती है। बाकी मैं तो जो जीता हूं भाई मैंने अपने दिमाग से जीती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कि अब जैसे मान के चलो अभी हुआ था लंका प्रीमियर लीग, भाई एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, लंका का जो कोलंबो ग्राउंड है ना वहां पे मैच हो, जी भर के पैसा लगा लेना और पूरे स्पिनर ले लेना अपनी टीम में, जितने भी मैच में स्पिनर खेले पूरे के पूरे अपनी टीम में ले लेना, और स्पिनर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना, भाई कोई आपके आसपास नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं करता हूं ऐसे, मैं इसलिए जीता था लंका प्रीमियर लीग में, आपके भाई ने बहुत विनिंग की, बहुत ज्यादा विनिंग की, डेली मैंने 12-12 लाख रुपए जीते थे, आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, अगर आपको कुछ बात में डाउट लग रहा है तो, ठीक है। और इंग्लैंड में टोटली फास्ट बॉलर, एक मैनचेस्टर का ग्राउंड छोड़ के अदर ऑल ग्राउंड पे ओनली ऑन फास्ट बॉलर चलते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता हो, धीरे धीरे आपको पता चलेगी, आप खेलोगे
ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चलती है सब चीजें। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई ग्राउंड कर रहा है फास्ट बॉलर का सपोर्ट, आप और प्लेयर का सिलेक्शन अच्छा था, आपने ले लिया, बड़ा प्लेयर था विकेट लेगा, ऐसा नहीं होता भाई। मैं क्यों रिस्क लेता हूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है यार कि सिलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, बंदा वही चलेगा जिसको ग्राउंड सपोर्ट करेगा। ठीक है, पिच जिसको सपोर्ट करेगी वही चलेगा, तो ऐसा होता है। और बाकी जैसे आप ग्रैंड लीग जीत ग्रैंड लीग ही खेलते हो आप, तो दो दो या तीन टीम से खेलो आप। ठीक है, दो या तीन, या फिर अगर आपका अच्छा बजट है तो आप 20 टीम से खेलो। मैं तो 20 से खेलता हूँ भाई, 20 से ही खेलता हूँ मैं। और दो तीन टीम बनाओ, दो टीम बनाओ आप, जो टीम विनिंग टीम है उसके पक्ष में, जो टीम जीतने वाली उसके उसमें 7 प्लेयर ले लो, और एक टीम ऐसी बनाओ जो हारने वाली हो। क्या होता है ना, कभी कभी इंडिया भी हार जाती है, कभी कभी मैं भी हार जाता हूँ भाई, तो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल होता है मैच, है ना। तो आपको दो टीम बनानी है मजबूत टीम के पक्ष में, और दो टीम एक टीम बनानी है कच्ची टीम के पक्ष में। अगर वो हार भी जाए तो मान के चलो आपके एक ही टीम के पैसे जाएंगे, और अगर जीतेगी तो दो टीम में आपकी संभावना रहेगी कि आप ऊपर जाओ, ग्रैंड लीग विन कर सको। और अगर आपकी एक टीम जो उनके पक्ष में है, अगर वो ऊपर जाएगी तो मान के चलो ये एक टीम आपको ग्रैंड लीग जिता सकती है साहब। क्योंकि अगर कच्ची टीम चल जाती ना भाई, तो कच्ची टीम के प्लेयर कोई नहीं लेता, उनका सिलेक्शन बहुत कम होता। अगर वो चल जाते हैं तो भाई आप वन साइडेड विन कर लोगे, क्योंकि उनको कोई लेके ही नहीं आया, वो सिर्फ आपकी टीम में, तो समझो आपका काम हो गया। और होता है ऐसा भाई, बहुत बार कच्ची टीम जीतती है मैच, पक्की टीम हार जाती है, इंडिया हार जाती है। और अभी देखा होगा आपने नवीन कुमार कबड्डी में, दिल्ली हार गई थी, कच्ची टीम से हार गई थी वो भी। तो ऐसा अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है क्रिकेट, कबड्डी, जो भी स्पोर्ट है, कभी भी ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता भाई, कोई भी टीम जीत जाती, कोई भी टीम हार जाती है ना। वैसे तो 90% होता है कि पक्की टीम ही जीतती है, तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। इससे आप स्मॉल लीग भी जीत सकते हो, ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो, है ना। और अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो एक मान के चलो 10% लोगों को भी नहीं पता होगी, किसी को नहीं पता होगी क्रिकेट के बारे में। एक बात तो आपको बताने वाला हूं भाई, होता क्या है, अब जैसे आपने देखा होगा कल का बिग बैश लीग का मैच याद कर लो, मैथ्यू शॉर्ट कभी कभी बॉलिंग डालता है, क्यों डालता है पता है आपको? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है भाई, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट करता है ऑफ स्पिनर, तो मैथ्यू शॉर्ट क्या है, ऑफ स्पिनर। जिस बॉलर पर लिखा रहता है ऑफ ब्रेक, मतलब वो आउट करेगा लेफ्ट हैंडर को, ठीक है ये ध्यान रखना। और राइट हैंड बैट्समैन को आउट करता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है। कभी भी दो राइट ही खेलेंगे तो फटाक से लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग डालने आता है। कभी कभी मैच भी स्टार्ट स्पिनरों से ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं, आउट कर देते हैं ये। अगर राइट ही खेल रहा है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टीम में कितने राइटी है कितने लेफ्टी है, और सामने वाली टीम में कौन ऑफ स्पिनर है कौन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको जो बताई इसको यूज करके जरूर आप देखना, बोलोगे हाँ यार भाई आपने कुछ बताया था, है ना। और जैसे आप देख लो कि टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और सामने वाली टीम में ऑफ स्पिनर नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर वो टिक गया फास्ट बॉलर शुरू के 4 ओवर, अगर ओपनर है या फिर मिडिल ऑर्डर में आता है, सामने वाली टीम में अगर लेफ्टी खेल रहा है और ऑफ स्पिनर नहीं है, तो भाई वो बैट्समैन बहुत तगड़ा चलेगा, मान के चलो वो 50 तो बना ही देगा आपके लिए। एक सेकेंड, तो वो आपको 50 तो मार के देगा ही देगा। तो इन्हीं ट्रिकों से आपका भाई जीतता है, और क्या करता है, यही करता है। और वो ये सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे फास्ट बॉलर का ग्राउंड है तो आपको सिर्फ फास्ट बॉलर ही लेना है टीम में, ठीक है। स्पिनर जितने भी खेले सबको छोड़ दो, भले वो 90-95% हो छोड़ दो, ले लो रिस्क। भले फास्ट बॉलर 1% है, ले लो उसको टीम में। सारे फास्ट फास्ट बॉलर भर लो, अगर फास्ट बॉलर का ग्राउंड है तो भर लो और खेल लो, जीत जाओगे। और अगर स्पिनर का ग्राउंड है, पूरा स्पिनर भर लो, एक भी फास्ट बॉलर मत लो और खेल लो, जीत जाओगे आप। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, सब सिलेक्शन देखते हैं भाई, सिलेक्शन वाली टीम बना के आते हैं, जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको ही लेता सब, कोई खराब खिलाड़ी नहीं लेना चाहता। किसी को पता ही नहीं कि कौन ये बॉलर करने वाला क्या है, ये बैट्समैन करने वाला क्या है, सब तो बस वो देखते हैं ये अच्छा खिलाड़ी वो अच्छा खिलाड़ी। पर ये जो मैच मैच में चेंजेस होते हैं ना, कि आज ये नहीं खेल रहा, ये खेल रहा है, इसको क्यों बिठा दिया, उसके पीछे जो मैंने आपको बताया ना, ये कारण होता है, ठीक है। और यही ट्रिक आप ग्रैंड लीग में भी यूज करना जो मैंने आपको बताई भाई। मेरे आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, ना जीतो ना तो भाई कमेंट में गाली बक के चले आना, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना। ऐसी थोड़ी ना यार, मैंने 75 ग्रैंड लीग विन करी है, उसके पीछे कारण होता है। और अब बात कर लेते अपन फुटबॉल की। भाई फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में भी यही होता है, जो पक्की टीम है, देखो सबसे पहले आप टीम बना लो सिलेक्शन वाली, ठीक है। पक्की टीम का आप पता कैसे करोगे, सबसे पहले आप टीम बना लो, जिस जिसका प्लेयर का सिलेक्शन ज्यादा है उसको ले लो आप टीम में। फिर आप देख लो कैप्टन किसको बना रहे हैं सब लोग, जाहिर सी बात है जो कैप्टन बनेगा वो मतलब गोल करेगा, गोल जो करेगा उसकी टीम जीतेगी। क्योंकि कबड्डी फुटबॉल में होता क्या है, गोल होता ही नहीं कभी कभी, और होता है तो सिर्फ एक ही टीम करती या फिर बहुत मुश्किल से दोनों टीम गोल करती है। तो आप क्या करो, कैप्टन बना लो जो सिलेक्शन वाला है उसी को, और उसी की टीम के पूरे जो डिफेंडर है ऊपर से उसको ले लो, ठीक है। चार डिफेंडर ले लो और यहां से तीन प्लेयर ले लो नीचे के, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन वो सिलेक्शन वाले ही बना लो भाई मेरे, आप जीत जाओगे। फुटबॉल में यही होता है, फुटबॉल में आपके भाई ने बहुत ज्यादा बहुत सारी ग्रैंड लीग विन करी, बहुत सारी ग्रैंड लीग विन करी फुटबॉल में मैंने, क्रिकेट से भी ज्यादा। क्योंकि मेरे को ट्रिक पता होता है क्या, फुटबॉल में हर किसी को थोड़ी ना पता है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ भाई, खेल के देखना फुटबॉल जो मैंने आपको बताया वैसे करके देखना, जीतोगे फुटबॉल भी। और कबड्डी, कबड्डी में क्यों जीत रहा है आपका भाई, समझ रहे हो क्यों जीत रहा है, समझ में आ रहा है क्यों जीत रहा है, किसी को नहीं पता भाई। और यार ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बताने का 1% भी मन नहीं है क्या बोलूँ, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। मेरे जो भी ओपोनेंट है, बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ भाई, 10-10 लाख रुपए लगाता हूँ एक एक मैच में, सब आके देख लेंगे कि ये करता क्या है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं होता क्या भाई कबड्डी में, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत काम की बात है। यूज जो मैंने बता रहा हूँ वो ट्रिक आप मैच में लगा के देख लेना, अगर विनिंग ना हो, बोला है मैंने कमेंट में जाके गाली बक के आना मुझे, नहीं हो वैसा तो जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको कबड्डी मैच देखना है, ठीक है, आपको प्लेयर लिख के रखना है कौन कहां पे खेल रहा है, ठीक है, कौन राइट, आपको बस डिफेंडर पर ध्यान देना है, ठीक है, डिफेंडर में होता क्या है भाई बताना मत किसी को, मैं बता रहा हूं आपको। राइट कॉर्नर पे जो खेलता है और एक खेलता है लेफ्ट कॉर्नर पे, मतलब 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक लेफ्ट कवर होता है, एक राइट कवर होता है, दो बीच में होते हैं और तीन तो होते हैं रेडर, ठीक है, और एक हाथ ऑलराउंडर होता है उसमें। आपको बस ध्यान देना है जो लेफ्ट कॉर्नर पे खेल रहा है उस पे, और राइट कॉर्नर पे जो खेल रहा है उस पे, ठीक है। तो आपको इन दोनों को लेना है, भले इनको कोई नहीं ले रहा, इनका सिलेक्शन 1% है, आप ले लो भाई, आपको पॉइंट जाएंगे। मैं इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि मैं इनको लेके आता हूँ, कोई नहीं लेते इनको,
अब देख लो आप, कल नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को कोई ले रहा था, किसी ने लिया था कि नीतीश कुमार को? आपके भाई ने लिया था, सुरेंद्र नाडा। सुरेंद्र नाडा लेफ्ट कॉर्नर पे खेलता है, लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर बहुत खतरनाक होता है। जो लेफ्ट कॉर्नर पे जिनको खिलाते हैं ना डिफेंडर को, वो टीम के मेन प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो उनको कोई मतलब, अगर सिलेक्शन कम है मान के चलो, जैकपॉट मैच, आप उसमें भरपूर लगा दो पैसा, मैं भी लगाता हूँ, जीतता हूँ। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों टीम के आपको लेना है, ठीक है? चार प्लेयर तो आपके ये हो गए, अब तीन प्लेयर जो है, एक अच्छा ऑलराउंडर ले लो, या फिर तीनों अच्छे रेडर ले लो जो रेड करते हैं बार बार, और जो अच्छे आपको प्लेयर लगते हैं वो ले लो, समझ में आया? ये होता है। और कभी कभी क्या होता है, जो टीम भारी होती है उसके पांच प्लेयर आते हैं ड्रीम टीम में, ठीक है? हर कबड्डी के मैच में पांच प्लेयर आते हैं ड्रीम टीम के, ठीक है, एक टीम के। तो पांच प्लेयर लेना कौन सी बड़ी बात है यार, तीन डिफेंडर ले लो, या फिर दो डिफेंडर ले लो, दो ऑलराउंडर ले लो, एक रेडर ले लो, या तीन तीन रेडर, तीन डिफेंडर ले लो और एक ऑलराउंडर ले लो, एक रेडर ले लो, जो मेन मेन प्लेयर है। अब जैसे देखो, कल की टीम क्या थी, ये इसकी बेंगलुरु बुल्स की और दिल्ली के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें आपके भाई ने किसको, क्या बोलते हैं उसको, पवन पवन शेरावत को कैप्टन बनाया। पूरे पांच प्लेयर लिए मैंने, पवन कुमार शेरावत, भारत ऑलराउंडर, तीन तीन डिफेंडर लिए मैंने, और जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे जो खेल रहा था सौरभ नांदल, उसको वाइस कैप्टन बना दिया। पता है ना क्या हुआ भाई मेरे, सौरभ नांदल 113 पॉइंट लेके गया, वाइस कैप्टन बना था वो मैच में, और वो अपना वाइस कैप्टन था। और पवन को, पवन शेरावत ने तो पता ही आपको, 208 समथिंग पॉइंट लिए उसने भी, और वो आपके भाई का कैप्टन था। तो ये होती है ट्रिक्स, ठीक है, कबड्डी जीतने की। कभी भी इसको आप ध्यान रखो, और इस जो मैंने आपको बताया, ऐसे टीम बनाओ, जीतोगे, डेली जीतोगे, है ना? और क्या बोलते हैं भाई, मैच देखना पड़ेगा आपको। अगर देखो टीम बनाते हो तो मैच देखना आपको जरूरी है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं 3-4 साल से खेल रहा हूँ, मेरे को क्या एक्सपीरियंस हो गया, हर खिलाड़ी की मेरे को डिटेल हो गई, डिटेल पता है मेरे को, कौन खिलाड़ी कैसा है, श्रीकांत यादव कैसा है, प्रदीप नरवाल कैसा है। अभी प्रदीप नरवाल को मैं हर मैच में छोड़ रहा हूँ, पता है आपको क्यों छोड़ रहा हूँ भाई? मेरे वो मोटा हो चुका है, ठीक है, उसमें अब फुर्ती नहीं रही है, मैं बता रहा हूँ, फुर्ती नहीं रही है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको। किसी को पता है क्या? नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ ना, मोटा हो गया है वो। तो आपको टीवी देखना पड़ेगी, या फिर मोबाइल में देखना पड़ेंगे लाइव मैच, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। मेरे कल के मैच में प्रदीप नरवाल को भाई हर कोई कैप्टन बना के आया था, भले उसका सिलेक्शन कम था पर उसका नाम बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको सब कैप्टन बना के आ गए। और आपके भाई ने बनाया था सुरेंद्र गिल को, सुरेंद्र गिल ने 160 समथिंग पॉइंट लिए, और वो कैप्टन था आपके भाई का। भाई मेरे एक तरफा मैच गया है, एक तरफा विनिंग, आप मेरे टेलीग्राम पे आके देखना, मजा आ जाएगा आपको विनिंग देख के। प्राइम मेंबर और मेरे जो फ्री यूजर है, जो यूट्यूब की वीडियो देख के टीम बनाते हैं, उनकी लॉटरी लग गई है कल, बोलते भाई क्या टीम दिया, भगवान हो भगवान हो। भाई मैं बोलता हूँ भगवान थोड़ी हूँ मैं तो यार प्रिडिक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, और प्रिडिक्शन करके टीम बना के दे रहा हूँ आपको, तो ऐसा होता है भाई। तो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, और भाई ये जो चैनल है आपको बहुत विनिंग कराने है देने वाला है, मैंने जो अभी नया चैनल बनाया है, और खैर चैनल तो बहुत पहले बना लेता मैं, पर अपना काम हो जाता था, मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है कि क्या बताऊँ मैं। पर अब ड्रीम इलेवन पे डीपीपी भी हट गई है, तो मैंने बोला अब यूट्यूब पे चलते अपन, तो अपन यूट्यूब पे आ गए हम। और भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, डेली आपको विनिंग टीम वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है? और वीडियो आप पूरी, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगी मेरी, जो भी वीडियो में डालूँ उसको आप अच्छे से देख लो,
आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मेरे मेरी गारंटी है, आपके भाई की गारंटी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम के लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम के लिंक डाल दूंगा, वहीं से आप मेरा इंस्टाग्राम भी जाके देख सकते हो, और मन हुआ तो फॉलो भी कर सकते हो हम इंस्टाग्राम में आपको भाई को। यार आपका भाई तो बस आपकी हेल्प करने के लिए आया है हमें यूट्यूब पे, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी थी, मैं तो कमाता हूँ भाई, क्या झूठ बोलूँ, बहुत कमाता हूँ मैं, डेली लाखों विन करता हूँ 10 मिलियन से, है ना। तो आप ही के लिए बनाया है चैनल, और आप लोग जुड़े रहोगे तो अच्छा रहेगा यार। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्या है कि कुछ अगर चेंजेस हो जाते हैं तो मैं अपनी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल भी देता हूँ, और बाकी प्राइम टीम भी देता हूँ, मैं प्राइम मेंबरशिप भी देता हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और आप अपन चलते हैं भाई, कल की विनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कल आपके भाई ने कितनी विनिंग करी है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइम मेंबरों ने कितने अमाउंट विन करा है। तो आ जाते हैं अपन आप, और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दिखा देता हूँ कि आपके भाई ने कैसे कैसे ग्रैंडली विन करी है। जो मुझे पहले से जानते हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ, आ जाइए। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, कल की अपनी टीम कबड्डी की दिखा देता हूँ आपको, और क्रिकेट की भी दिखा दूँगा। ये कबड्डी की टीम देख लो आप, दूसरा मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु बुल्स का, ये आपके भाई की स्मॉल लीग की टीम है, देखो आप। कैप्टन अपना पवन शेरावत, वाइस कैप्टन सौरभ नांदल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, ठीक। अब इसका सिलेक्शन तो खैर अच्छा खासा है, पर इसको वाइस कैप्टन कोई नहीं बनाएगा, माने महेंद्र सिंह, देखो 46% है, कोई लेगा क्या इसको, वो भी स्मॉल लीग टीम है, नहीं लेगा। भरत का सिलेक्शन देखो आप, 18% है, ठीक है, इसको कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, 112 पॉइंट ले गया है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आप मेरे देख ही सकते हो, यहाँ से जोगिंदर नरवाल और संदीप नरवाल को मैंने क्यों लिया था आपको बताया था मैंने वीडियो में, वीडियो जाके आप पीछे देख लेना, वही वही ट्रिक थी, ठीक है। भले ही फ्लोप हो गए, क्योंकि इनकी टीम ही हार गई ना यार, इनने इनको कुछ मौका ही नहीं दिया, अगर मौका रहता तो इन दोनों के पास में ही रहता, ठीक है। और अब मैं आपको देखो ग्रैंड लीग में रैंक दिखाता हूँ अपनी, ये रैंक आई है मेरी, एक टीम भी विनिंग जोन के बाहर नहीं रहती मेरी, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है ना भाई कौन कौन चलेगा। ये देखो आप, इस मैच में तो खेल मैंने ग्रैंड लीग ही खेली थी, इससे पहले वाले में स्मॉल लीग भी खेली थी। ये देखो आप, ग्रैंड लीग में भी अच्छा प्रॉफिट होता है मेरे को मेरी, क्योंकि सब टीमें विनिंग जोन में रहती, कोई विनिंग जोन के बाहर ही नहीं होती है। देखो 99 के अगर 140-40 मिलेंगे तो ऐसे ही कमा लेगा ना आपका भाई। तो अब ये एक और था, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यूपी योद्धा, इसकी टीम तो मैंने वीडियो में जो दी थी, आप मेरी वीडियो देख लेना यूट्यूब की, इसी के नीचे जो वीडियो है वो वीडियो देख लो, यही टीम मेरी वीडियो में थी, और मैंने बताया था आपको नीतीश कुमार चलेगा, सुरेंद्र नाडा चलेगा, अंकित को ले लेना, मोहित को मत लेना, ये भी बोला था मैंने, और देख सकते हो मोहित के 4 ही पॉइंट है। देखो आप भाई सिलेक्शन देखो नीतीश कुमार का, 23%, कोई लेगा इसको भाई, कोई टच भी नहीं करेगा अपनी टीमों में। सुरेंद्र नाडा का भी 42% सिलेक्शन था, कोई नहीं लेगा इसको। श्रीकांत यादव, ऑलराउंडर में सबसे रिस्की प्लेयर श्रीकांत यादव था, श्रीकांत यादव को क्यों लिया मैंने, क्योंकि पिछले मैच में इसने दोनों तरफ से पॉइंट लिए थे, अनसक्सेसफुल टेकल भी किया, इस मैच में भी इसने टेकल ट्राई करा था, और रेडिंग तो कर ही रहा है, मतलब दोनों जगह से ट्राई करता है पॉइंटों की। और सब बना के आए थे प्रदीप नरवाल को, मैंने बनाया था सुरेंद्र गिल को कैप्टन, देख लो आप कितने पॉइंट लिए, 284 पॉइंट लिए, और विकास खंडोला, मतलब जो ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन है, वही ये कैप्टन वाइस कैप्टन बने थे। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ये डिफेंड भी करता है, रेडिंग भी करता है, और देखो टेकल भी किया बंदे ने और रेडिंग भी की। तो वीडियो देखा करो भाई, वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि आपके भाई को एक्सपीरियंस है यार, बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ मैं, पता है मेरे को कौन कौन प्लेयर कैसा है। और अब हम चलते हैं सीधे टेलीग्राम चैनल पे, दिखा देता हूँ मैं बंदों की विनिंग
कौन कौन ने कितने कितने विन किए। आते हैं अपन टेलीग्राम चैनल पे, ये देखो आप, यही टीम है ना जो मैंने आपको दिखाई थी, ये बिग बैश लीग की टीम है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। राशिद खान लेफ्ट हैंडर और एम शॉट, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है, जाके चेक करना वीडियो फिर से दोबारा से देखना, क्रिकेट की ट्रिक भी आपको मिल जाएगी, उसी ट्रिक का यूज़ करता हूँ मैं। देखो क्रिकेट की टीम भी बहुत ज़बरदस्त थी अपनी, और दोनों कबड्डी के मैच भी वन साइड थे, 3 मेगा क्लीन 3 मैच थे कल, तीनों वन साइडेड विन किए हैं। ये देखो मेरे प्राइम मेंबरों की विनिंग है, ये देख रहे हो आप, प्राइम मेंबरों की है, जो वीडियो देखते हैं उनकी है, ये देखो ये फीडबैक है बंदों का, देख रहे हो आप। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको ये सब प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल पे होगा। देखो सबके 730 पॉइंट है भाई, इतने स्क्रीनशॉट है कि पोस्ट करते करते मैं थक जाता हूँ, इतनी विनिंग आती है। और अब अपन चलते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहां पे भी आपको, ये देखो जो मेरा पिन अप मैसेज है वो भी देख लेना। इस मैच में आपके भाई ने 8 लाख प्लस विन करे थे, ये देखो आप, और TDS कट के 7.71 आया था अपने पास में। इसकी मैंने विनिंग के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे उस पर भी डाले हैं, इंस्टाग्राम पे। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हर लीग जीता था, ये देखो ग्रैंड लीग विन, ये देखो ग्रैंड लीग विन, ये देखो ग्रैंड लीग विन। अब अपन चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये देख सकते हो आप, ये विनिंग डाल देता हूँ मैं, जो भी मेरी विनिंग होती है, ये देखो 11 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। ये लंका प्रीमियर लीग के रिजल्ट है, मैंने आपको बताया था ना स्पिनर, लंका प्रीमियर लीग मतलब स्पिनर का टूर्नामेंट। ये देखो 12 लाख, 12 लाख देख रहे हो, ऐसे ऐसे विनिंग करता आपका भाई। इसमें भी TDS कट के 12.29 आ गया था अपने पास में, और ये देखो 6.99, ये अपनी टीम थी, बोला था मैंने आपको स्पिनर ले लेना है। देखो कोलंबो का ग्राउंड था, पूरे के पूरे स्पिनर लिए थे, समित पटेल, मोहम्मद हफीज, मेंडी, संपत, कोलंबेज और नूर अहमद सब चले यहाँ से। असलंग का बैटिंग सेक्शन में वो भी स्पिन बोल डालता, उसको भी आपके भाई ने लिया था, ठीक है। ये देखो 9 लाख समथिंग, ये बताया था मैंने आपको, CPL वो लंका प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें तबाही मचा के रखी थी आपके भाई ने, और अब कबड्डी में तबाही मचा रहे हैं। देखो टीम देखो पूरे स्पिनर है कोई लेता ही नहीं था भाई स्पिनर को, मैं लेके आता था भर भर के। ये देखो यहाँ पे 7 लाख, देख रहे हो मेरी विनिंग है ये। और अब मैं आपको ग्रैंड लीग विनिंग दिखाता हूँ अपनी, इसमें इस मैच में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विन करी थी, ये देखो आप GL विन, ये देखो GL विन, ये देखो GL विन, और ये देखो आप 85 में से 82 कॉन्टेस्ट विन, मतलब 30 कॉन्टेस्ट हारा हूँ बस, 384 इसमें। ये वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप में जो हुआ था, वर्ल्ड कप आपके भाई का बहुत अच्छा गया था भाई, वर्ल्ड कप में तो आग लगा रखी थी। और ये जो मैच था DC वर्सेस CSK, इस मैच में भी आपके भाई ने ग्रैंड लीग विन करी थी IPL में, देखो 2.5 लाख रुपए मिले थे, ये देखो इसमें भी 2.5 लाख मिले थे, ये देखो इसमें 50 हजार मिले थे। ये अपनी टीम थी, देखो मोइन अली मेरा कैप्टन था, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन था, मैंने बताया था आपको स्पिनर स्पिनर चले थे इस मैच में, पूरे प्लेयर मेरे ड्रीम टीम के थे भाई, पूरे प्लेयर MS धोनी को छोड़ के, MS धोनी को तो मैं लेता ही हूँ भाई, मेरा फेवरेट प्लेयर है वो, MS धोनी, और विकेट कीपिंग से पॉइंट दिलाता, खैर बॉटिंग बैटिंग तो उसने अच्छी करी नहीं थी। ये देखो एक और GL विन, चेन्नई के और मुंबई के मैच में भी आपके भाई ने ग्रैंड लीग विन करी थी, इसी मैच में मिनी GL भी विन करी थी, इसमें भी 1 लाख मिले थे, और ये आपके भाई की टीम थी। अगर फास्ट बॉलर का ग्राउंड है तो बोला था मैंने आपको फास्ट बॉलर लेना है, ये देखो पूरे फास्ट बॉलर थे आपके भाई की टीम में, एक भी स्पिनर नहीं था, मोइन अली ऑलराउंडर था। और ये हाँ देखो ये CPL की विनिंग है भाई, CPL में भी आपके भाई ने ग्रैंड लीग मारी थी,
एक एक मैच में भाई 10-10 ग्रैंड लीग विन कर लेता हूँ। और ये देखो ये मेरे बंदे ने कितने जीते हैं, 125 ग्रैंड लीग जीता है ये देखो, इसमें 1,51,000 में जीता है ग्रैंड लीग, 90,000। ये सब इंस्टाग्राम की पोस्ट है भाई, जाके देखो अच्छे से, मिल जाएंगे आपको प्रूफ। और भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक एक मैच की दिखा देता हूँ, बाकी तो आप जाके देख लेना। एक मैच और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, बाकी विनिंग तो यार बहुत। ये देखो आप, ये मेरी विनिंग है भाई, ये 29 रुपये के कॉन्टेस्ट में खाली एक ही कॉन्टेस्ट खेला था मैंने उस दिन, 20 टीम लगाई थी। और देख सकते हो आप, देख रहे हो 3,00,000 रुपये जीते मैंने, कितने लगाए होंगे, 29 × 20 कर लो आप, 600 रुपये होते हैं, 600 रुपये के मैंने 3,00,000 रुपये विन करे थे। यहाँ से मेरी टीम देख लो, ये टीम थी मेरी, इसमें भाई ये जो प्लेयर थे ना ग्रैंड लीग, एक तो रिस्क लेके जीती जाती है, या तो आप जो मैंने आपको बताया फास्ट बॉलर और स्पिनर उसको लेके जीत सकते हो। तो इसमें मैंने खाली रिस्की प्लेयर लिए थे, पूरे रिस्की प्लेयर लिए, और देख सकते हो आप भाई इनका सिलेक्शन 5-5% था उस मैच में, जो प्लेयर है ना उनका सिलेक्शन 5-5% था, किसी की टीम में नहीं थे ये लोग, इसलिए आपका भाई ग्रैंड लीग जीत चुका था। तो भाई धन्यवाद, और बाकी आप लोग और भी विनिंग डली मेरी इंस्टाग्राम पे, जाके देख सकते हो। तो धन्यवाद भाइयों, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।